Yes. Hello everyone. Let's restart our topic, staffing and HR. In our previous video, we have already discussed meaning and importance of staffing. Okay. Then today we discuss staffing and HR. Generally, students staffing and HR को equal मानते हैं. यानी both will be the equal terms. But students both will not be equal terms. There will be difference between staffing and HR. HR की full form होती है human resource management. तो first of all, what do you mean by the human resource management? ठीक है, human resource management नाम से ही पता चल रहा है human resource का management करना. Okay? तो human resource management is a part of management. ठीक है, in which we do the study of human resource. Human resource is a part of management in which we do the study of human elements is called human resource management. It means human resource management is that management in which we do the estimation how many employees are required in our business. फिर उनका recruitment करते हैं, फिर selection करते हैं, best employee को appropriate job पर appoint करते हैं. ठीक है, उसके बाद उसको कंपनसेशन दिया जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है और उसकी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है. ऑल दीज एक्टिविटीज आल्सो इंक्लूड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दैट मैनेजमेंट इन विच वी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज जस्ट लाइक एज वी डू द एस्टिमेशन हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड इन अवर बिजनेस. ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट एट ए पर्टिकुलर डेजिनेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, ठीक है, मोटिवेशन एंड उनकी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सोल्व करना. ऑल दीज एक्टिविटीज आल्सो इंक्लूड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. यानी एंड ए पर्सन हु परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. जो भी पर्सन ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है बेटा उसी पर्सन को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है. ठीक है, और कहते हैं कि अगर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी यही एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो बेटा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको स्टाफिंग के नाम से बोलते हैं. लेकिन अगर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये सेम एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो फिर उस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट डिपार्टमेंट हम ओपन कर देते हैं और बेटा उस सेपरेट डिपार्टमेंट का नाम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है. ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होता है, उस मैनेजर का नाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है जो ऑल ओवर एक्टिविटीज क्या करता है, परफॉर्म करता है. तो स्टाफिंग अपने आप में कोई सेपरेट नहीं है, स्टाफिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टाफिंग है या ये आपका एचआरएम है और इस एचआरएम के अंदर ये क्या आ गया, स्टाफिंग आ गया. यानी स्टाफिंग अपने आप में कोई सेपरेट फंक्शन ना होकर स्टाफिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, क्योंकि सेम एक्टिविटी स्मॉल लेवल पे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती है देन वी कॉल्ड स्टाफिंग. बट ऑल दीज एक्टिविटी परफॉर्म इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देन वी ओपन ए सेपरेट डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड वी ऑल्सो अपॉइंट ए सेपरेट मैनेजर, दैट मैनेजर इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, इज एक वाइडर टर्म की फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं और स्टाफिंग उसी का क्या है, एक पार्ट है. आई थिंक मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि एचआरएम क्या है. बेटा एचआरएम का मतलब मैनेजमेंट का वो पार्ट जहाँ ह्यूमन एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं. ठीक है, और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होती है वो सारी आप इसकी डेफिनेशन में भी मैंने अभी रिपीट किया था और सेम यहाँ पर भी एक्सप्लेन है. जर्नली 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आते हैं. कहता है इन एचआरएम फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड. ये एक्टिविटी एचआरएम में आती है. यानी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है. फर्स्ट एक्टिविटी, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. यानी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेशन लगाता है हाउ मैनी एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड इन अवर बिजनेस.
ओके, बिकॉज ऑन द बिहाफ ऑफ रिक्वायरमेंट, उसी के बिहाफ पर वो रिक्रूटमेंट करेगा, सिलेक्शन करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा. सो उसका फर्स्ट फंक्शन होता है या उसकी पहली एक्टिविटी होती है कि वो एस्टिमेशन लगाता है कि कितने ह्यूमन रिसोर्स की मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है. सेकेंड, एम्प्लॉइंग पीपल का मतलब होता है कि उनकी रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, और सिलेक्शन करके लोगों को क्या करना है, एम्प्लॉइंग करना, यानी उनको जॉब प्रोवाइड करना. ये कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, उसको बेटा बोला जाता है एम्प्लॉइंग पीपल, लोगों को जॉब अवेलेबल कराना. उसके बाद करियर ग्रोथ. करियर ग्रोथ का मतलब होता है कि उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग का मतलब एक पर्टिकुलर स्किल का, एक आप एक एम्प्लॉय के अंदर एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करना ट्रेनिंग आता है. एक एम्प्लॉय की ओवरऑल नॉलेज को इम्प्रूव करना डेवलपमेंट होता है. जैसे हम टीचर हैं, हमें एक पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ टीच करना होता है बच्चों को. तो टीचिंग स्किल अगर हमारे अंदर डेवलप किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो वी शुड प्रोवाइड या हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. बट प्रिंसिपल सर है, उनके अंदर ओवरऑल नॉलेज को डेवलप करना होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उनको डेवलपमेंट दिया जाता है. तो करियर ग्रोथ में हमें क्या दी जाती है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बिकॉज वी परफॉर्म द वर्क इन एन इफेक्टिव वे. परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि वो प्रॉपर वे से वर्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है तो नेगेटिव मोटिवेशन, और अच्छा कर रहा है तो उसको प्रमोशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, मोटिवेशन. परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद हम उसको क्या करते हैं? मोटिवेशन देते हैं. बिकॉज अगर किसी ने बेटर वर्क परफॉर्म करा तो हम उसको मॉनेटरी रिवार्ड देते हैं, नॉन मॉनेटरी रिवार्ड देके उसको मोटिवेट करते हैं ताकि उसका एफिशिएंसी लेवल और इंक्रीज हो. कंपनसेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्राइस होता जॉब, कि जो वर्क आप परफॉर्म कर रहे हो उसके बदले में आपको क्या देना, सैलरी देना, वेजेस देना. प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉइज को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. क्योंकि जॉब सिक्योरिटी से, अगर हम अपने एम्प्लॉय को जॉब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और वो ज्यादा बेटर वर्क परफॉर्म करता है. तो ये सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. वेलफेयर ऑफ द पीपल का मतलब कि एम्प्लॉयज अगर वर्क के ड्यूरेशन में एक्सीडेंट वगैरह से डैमेज हो जाते हैं या अनदर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो भी ये उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका वेलफेयर करते हैं, उनको प्रॉपर कंपनसेशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही उनका ट्रीटमेंट का एक्सपेंस भी कंपनी बियर करती है. तो ये अपने पीपल्स का वेलफेयर भी करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से. रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, यानी पर्सनल पॉलिसीज का मतलब वो पॉलिसी जो एम्प्लॉय के लिए बनाई गई है. HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर उन पॉलिसीज को टाइम टू टाइम रिव्यू मानी चेक करता है और उनको ऑडिट करता है. अगर पॉलिसी वेल एंड गुड है, एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंटिन्यूटी में चलते रहती है. अगर पॉलिसी सही नहीं है, एम्प्लॉय उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा वर्क, तो टाइम टू टाइम उन पॉलिसी को थोड़ा मॉडिफाई भी कर देता है. तो ऑल दीज एक्टिविटीज आल्सो इंक्लूड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑल दीज फंक्शंस इज आल्सो परफॉर्म बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. जनरली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है. कैसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको कहता है कि HRM, व्हाट डू मीन बाय द HRM, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स, या स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डू यू एग्री, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ HRM, ऐसे करके. यानी आपसे किसी भी वे में ये क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है. तो आप लोगों को बड़े अच्छे से डिफाइन करना है कि HRM इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इन विच वी डू द स्टडी ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स, या फिर इसकी डेफिनेशन भी है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इन विच वी डू द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, एम्प्लॉइंग पीपल, करियर ग्रोथ, परफॉर्मेंस, मोटिवेशन, कंपनसेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बेटा ये सारे इंक्लूड करके भी आप डेफिनेशन बना सकते हो. फिर आता है कि डायग्राम बना के बड़े अच्छे से समझा देना. ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में एक सेपरेट है, और स्टाफिंग उसी का क्या होता है, पार्ट होता है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में उसी को स्टाफिंग बोल देते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में उसको HRM.
एक्टिविटीज बड़े अच्छे से करनी है, क्योंकि जनरली ये एक्टिविटी का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि एचआरएम में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से स्टाफिंग एंड एचआरएम दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आवर इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। देखो इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम में कि भाई एचआरएम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ये ओरिजिन हुआ एचआरएम, कहते एचआरएम के ओरिजिन होने की कौन कौन सी स्टेजेज है, क्या स्टार्टिंग से एचआरएम चला आ रहा है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिस टाइम कंपनियां हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर ओपन हुआ था क्या उस टाइम से एचआरएम का ओरिजिन है। तो कहता है इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम का मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ओरिजिन की कौन कौन सी स्टेजेज है। तो फर्स्ट स्टेजेज आपकी आती है लेबर वेलफेयर स्टेज। बेटा लेबर वेलफेयर स्टेज क्या होती है, कहता है लेबर वेलफेयर स्टेज का मतलब स्टार्टिंग, बहुत पहले की बात है। वो स्मॉल लेवल पे बिजनेस ऑपरेट होते थे, बिजनेस का साइज वेरी स्मॉल था। एट दैट टाइम वी रिक्वायर ए पर्सन हु डू द वर्क एज ए मीडिएटर बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, सो वी अपॉइंट ए पर्सन, ठीक है, हिज नेम इज लेबर वेलफेयर ऑफिसर, हिज रोल इज वेरी लिमिटेड, ठीक है, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई की प्रॉब्लम को एम्प्लॉयर तक ट्रांसफर करने का काम करता था सिर्फ। तो बेटा उस स्टेज को लेबर वेलफेयर स्टेज कहा जाता है। अगेन रिपीट कर रही हूं, लेबर वेलफेयर स्टेज उस टाइम की स्टेज है जब मेरा बिजनेस बहुत स्मॉल स्केल पे ऑपरेट होता था, बिजनेस का साइज बहुत स्मॉल था। एट दैट टाइम वी रिक्वायर ए पर्सन who do the work as a mediator between the employer and employee. In that case, we appoint a person whose name is labor welfare officer. और labor welfare officer का role students बहुत limited था। क्यों? क्योंकि ये employer की information को employee तक और employee की information या employee की problems को employer तक send करता था, बस इसका इतना ही role था। तो बेटा उस स्टेज को जो पोस्ट स्टार्टिंग की स्टेज थी जब हमारा बिजनेस बहुत स्मॉल साइज पर ऑपरेट होता था, एट दैट टाइम की स्टेज को लेबर वेलफेयर स्टेज कहा जाता है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आई पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज, बेटा इसको फैक्ट्री स्टेज भी बोलते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज या इसको फैक्ट्री स्टेज भी कहते हैं। सेकेंड जो फैक्ट्री स्टेज है स्टूडेंट्स, कहता है इस स्टेज में बिजनेस का साइज लार्ज हो गया, अंडर वन रूफ वेरियस एम्प्लॉयज क्या करने लग गए, वर्क परफॉर्म करने लगे। एट दैट टाइम वी रिक्वायर ए पर्सन, ठीक है, हु हायर मोर एंड मोर एम्प्लॉयज फॉर द बिजनेस एंड प्रोवाइड टू द ऑनर, ठीक है, सो वी अपॉइंट ए पर्सन, ठीक है, हुज नेम इज पर्सनल ऑफिसर या पर्सनल मैनेजर। कहता है इस टाइम यानी जो सेकंड स्टेज थी इसमें बिजनेस का साइज थोड़ा लार्ज हो गया, और कहता है बिजनेस का साइज इतना लार्ज हो गया कि अंडर वन रूफ वेरियस एम्प्लॉयज क्या करते थे, वर्क परफॉर्म करते थे। व्हेन बिजनेस साइज इंक्रीज देन डेफिनेटली वी नीड मोर एंड मोर एम्प्लॉयज, हमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हुई, और जब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हुई तो उस टाइम हमें कैसे पर्सन की रिक्वायरमेंट फील हुई जो मोर एंड मोर एम्प्लॉय हमें हायर करवा सके, उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट कर सके, कैसे पर्सन की रिक्वायरमेंट फील हुई। तो बेटा हमने क्या करा, पर्सनल ऑफिसर या पर्सनल मैनेजर को अपॉइंट किया जिसका रोल भी लिमिटेड ही था। इसके तीन ही काम थे, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, यानी ओनर को मोर एंड मोर एम्प्लॉय अवेलेबल कराना इसका काम था। तो स्टूडेंट इस स्टेज को हम फैक्ट्री स्टेज कहते हैं, ठीक है, या पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज भी कहते हैं। थर्ड स्टेज जो आपकी प्रेजेंट की स्टेज है जिसको एचआरएम स्टेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज कहा जाता है। कहता है जब बिजनेस का साइज और इंक्रीज हुआ, एट दैट टाइम वी रिक्वायर ए पर्सन हु परफॉर्म मोर वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, हिज रोल इज नॉट लिमिटेड, हिज रोल इज अनलिमिटेड। कहता है एचआरएम स्टेज में बिजनेस का साइज और इंक्रीज हुआ, एट दैट टाइम हमें कैसे पर्सन की रिक्वायरमेंट फील हुई जो जिसका रोल बहुत ज्यादा हो यानी बहुत सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म कर सके। तो बेटा उस स्टेज को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज का, एंड ए पर्सन
ठीक है, जिसका नाम जिसको हमने हायर किया उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है। और कहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल लिमिटेड नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल अनलिमिटेड है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट भी करता है, सिलेक्शन भी करता है, अपॉइंटमेंट भी करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी चेक करता है, उनको मोटिवेट भी करता है, उनको सैलरी वगैरह भी देता है, उनको सोशल सिक्योरिटी वगैरह भी प्रोवाइड करता है। एवरी वर्क ही परफॉर्म, हर काम वो परफॉर्म करता है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल जो है वो लिमिटेड ना होकर स्टूडेंट्स अनलिमिटेड होता है। और ये हमारी प्रेजेंट की स्टेज है जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज कहा जाता है। और ए पर्सन हु परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सो दीज आर थ्री स्टेजेस फॉर द इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, यानी एचआरएम डायरेक्ट ओरिजिन नहीं हुआ स्टूडेंट, पहले लेबर वेलफेयर स्टेज थी, फिर फैक्ट्री स्टेज आई और देन आपकी एचआरएम स्टेज आई जो आज की तारीख में आप पढ़ रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बहुत बार वन मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टाफिंग एज ए लाइन एक्टिविटी कब होती है और स्टाफिंग एज ए स्टाफ एक्टिविटी कब होती है। ध्यान से बड़े अच्छे से सुनना, कहता स्टाफिंग एज ए लाइन एक्टिविटी उस केस में होती है जब स्टाफिंग फंक्शन को हम मैनेजमेंट का एक फंक्शन मानकर परफॉर्म करते हैं। एवरी स्टूडेंट नो दैट देयर आर द फाइव फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देर आर द फाइव फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इफ वी परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन एज ए मैनेजमेंट फंक्शन, अगर हम स्टाफिंग को मैनेजमेंट का एक फंक्शन मानकर परफॉर्म करते हैं, एट दैट केस स्टाफिंग इज आल्सो बिकम एज ए लाइन एक्टिविटी। अगर स्टाफिंग को हम मैनेजमेंट का एक फंक्शन मानकर परफॉर्म करते हैं तो स्टाफिंग को हम एज ए लाइन एक्टिविटी भी कह सकते हैं। स्टाफिंग एज ए स्टाफ एक्टिविटी उस केस में कहा जाता है जब पर्सोनल मैनेजर स्टाफिंग को एक मैनेजमेंट का फंक्शन मानकर परफॉर्म नहीं करता बल्कि एक एक्टिविटी मानकर परफॉर्म करता है, एट दैट केस वी कैन से दैट स्टाफिंग एज ए स्टाफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है बेटा हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे मार्केटिंग की एक्टिविटी है, फाइनेंस की एक्टिविटी है, ठीक है, और इसके साथ साथ मान लो आपकी ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटी है या एनी अदर एक्टिविटी, जो परचेज की एक्टिविटी है, सेल्स की एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी। यानी जब स्टाफिंग को आप मैनेजमेंट का फंक्शन मानकर ना परफॉर्म करके आप उसको मार्केटिंग की एक एक्टिविटी या मैनेजमेंट की एक एक्टिविटी मानकर आप परफॉर्म करते हो, देन उस केस में स्टाफिंग को हम एज ए स्टाफ एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देन वी कैन से दैट स्टाफिंग इज ए लाइन एक्टिविटी। When we perform the staffing function as a activity of business, जब staffing को आप business की एक activity मानकर perform करते हो, जैसे marketing की activity है, purchase की activity है, finance की activity है, तो उस case में student staffing को हम क्या मानते हैं, एक staff activity बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा topic था कि स्टाफिंग एंड HRM। मैंने आज HRM का पूरा ही topic आप लोगों को कर समझा दिया है। कल से मैं आपकी जो कल वाली वीडियो है वो स्टाफिंग की प्रोसेस डिस्कस करते हैं, देन उसके क्या आएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्टाफिंग में जो आपकी एचआरएम है, एचआरएम की इवोल्यूशन की थ्री स्टेजेज है, ये वन मार्क में पूछे जाते हैं। स्टाफिंग को एज ए लाइन एक्टिविटी कब कहा जाता है, स्टाफिंग को एज ए स्टाफ एक्टिविटी कब कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसकी स्टेजेज अच्छे से होनी चाहिए और स्टाफिंग और एचआरएम में क्या डिफरेंस होता है, दोनों सेम है, एचआरएम में कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होती है, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्टिविटी हर स्टूडेंट को बड़े अच्छे से लर्न होनी चाहिए क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।